स्टार्ट सर वापस से एक बार आ जाइए ना डरते हुए क्या बात कर रहा है ये रिएक्शन नहीं आने वाले सब चारों के चारों हां जो आप लोग विजय सर सोलो और ये एक्सपीरियंस है दर्शकों के लिए टू फील कि मैंने क्या फील किया फिल्म के दौरान और काफ़ी आई थिंक कामयाब हुआ सर आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म जो है नाम पिज़्ज़ा रखा गया है जो कि खाने का नाम है तो क्या सोच के रखा था आपने खाने की चीज़ को आपने डरावना बना दिया वड़ा पाव पानी पूरी अवेलेबल नहीं था तो पिज़्ज़ा जो अवेलेबल था उसको हमने बना दिया बट ये फिल्म का नाम पिज़्ज़ा क्यों है ये आप जानना चाहें तो यू हैव टू वॉच द फिल्म फिल्म की बात करें तो किस तरह की फिल्म होने वाली है ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगी ऑडियंस के लिए ये नॉट जस्ट इट्स नॉट जस्ट अ हॉरर फिल्म इट्स लाइक अ हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म एंड आई थिंक एंड ऑफ कोर्स ये फिल्म 3D में की गई है तो आई थिंक इट्स फॉर एन ऑडियंस विल बी वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगा आपने जो है हॉरर हाउस का एक्सपीरियंस लिया है तो कैसा था ये एक्सपीरियंस काफ़ी डर गए थे मैंने ये काफ़ी डरावना था और मैं भी अभी कम्प्लीटली मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ये कैसा फील करता होगा वो जब सीन्स उसको शूट करने होते थे तो काफ़ी डरावना है और मैं वेट कर रही हूँ खुद कि मैं पिज़्ज़ा देखूँ 3D में और उस डर को और बढ़ाऊँ सर क्या कुछ आइडिया है आज का कि क्या कुछ हो रहा है सही जो पिज़्ज़ा के लिए आपने जो ये प्रमोशन स्किल अपनाई है तो उसके लिए क्या आइडिया था मतलब नो द आइडिया वाज फ्रॉम UTV द आइडिया इज टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पीपल एंड टेल देम दैट द फिल्म इज मच स्कैरियर देन दिस एंड आई थिंक इट इज आई थिंक द फिल्म इज मच स्कैरियर देन दिस बट आई एक्चुअली गॉट रियली स्कैर्ड इन दीज इन द स्मॉल हाउस दैट दे मेड अच्छा यहाँ पे आपने जितने जन को भी डराया किसी ने आपको बोला कि हाँ फिल्म इससे ज़्यादा हॉन्टेड होगी या ऐसा कुछ नहीं अभी तक नहीं पर ये एक्सपीरियंस करने के बाद जब पिज़्ज़ा देखेंगे मूवी तो लोगों को लगेगा कि हाँ काफ़ी डरावना है आप दोनों से जानना चाहूँगा आप क्या किरदार निभा रहे हो मेरा एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का है उसका नाम है कुणाल मालखोलकर नॉर्मल लाइफ है उसकी एक दिन जाता है वो डिलीवर करने किसी घर पे और उसकी बैंड बज जाती है और ये है मेरी खूबसूरत सी बीवी जो क्या डोंट गेट स्केयर्ड आपने जो एक पिज़्ज़ा पकड़ा हुआ हाथ में इसमें कुछ डरावना तो नहीं है जी नहीं इसमें कुछ डरावना नहीं पर वो भी सकता है अपने फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आप जाइए 18 जुलाई देखिए पिज़्ज़ा 3D एंजॉय कीजिए 3D में और डरिए सस्पेंस और थ्रिलर का मज़ा लीजिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए पिज़्ज़ा कटेगा सब में बढ़ेगा थैंक यू सो मच थैंक यू